एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ आदर्श झा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज दिन भर एबीपी न्यूज पर वैक्सीन महासम्मेलन जारी है, जिसमें देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अपने अपने प्रदेश में वैक्सीन लगाने का प्लान बता रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, सत्येंद्र जैन साहब, उनसे भी जानकारी लेंगे दिल्ली को लेकर। लेकिन आपको बता दें किस तरह की तैयारी देश के अलग अलग राज्यों में हो। उत्तर प्रदेश में तैयारी पूरी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया। उत्तराखंड राज्य में भी तैयारी पूरी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा साहब ने बताया कि पूरी तैयारी है, 4.5 लाख वैक्सीन की मांग की है सरकार से, इतनी वैक्सीन फर्स्ट फेज में लोगों को लगाई जाएगी। तो तमाम जो राज्य हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें 16 जनवरी का अब इंतजार हो रहा है। जी हाँ, अब से सिर्फ 6 दिन बाकी है जब कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। शनिवार को पीएम मोदी की एक हाई लेवल बैठक के बाद वैक्सीन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कल सोमवार को भी पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें टीकाकरण के लिए जरूरी तैयारियों का फाइनल जायजा लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों की क्या तैयारी है, इसके लिए आज हमारे साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी जुड़े, जिनसे हम पूरी जानकारी ले रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने यहाँ की तैयारियों को बताया, किस तरह से राज्य पूरे तरीके से तैयार है, खास करके रिमोट इलाकों में किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां पर लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है और अभी के मौसम में, क्योंकि अभी ज्यादातर जगहों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात की गई, उत्तर प्रदेश में भी लगातार तैयारी पूरी है और खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आते ही लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए और सबको वैक्सीन का इंतजार है। और 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जैन साहब एबीपी न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही है, दिल्ली कितनी तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? दिल्ली के अंदर कुल 89 लोकेशंस का इंतजाम किया गया है, जिसमें 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो जो फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जा रहा है, इसमें सारे के सारे हॉस्पिटल्स में इंतजाम किया गया है और 89 सेंटर्स बिल्कुल तैयार हैं। पूरी लिस्ट मेरे पास है उसकी, तो 89 में देखिए पूरी लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स को रखा गया है। सत्येंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, कैसे तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन जो होना है लोगों का, तो अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को रजिस्टर्ड कर लिया है कोविन पर, दिल्ली के हिसाब से मैं यह सवाल कर रहा हूँ। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स में 2,25,000 के आसपास लोग रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट नर्सिंग होम्स, इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में जो लोग हैं उनको भी, सभी को ऑप्शन दिया गया पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करने के लिए। तो 2,25,000 के करीब लोगों ने रजिस्टर्ड कराया अभी तक। 2,25,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। मुझे एक बात बताइए, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, शनिवार को भी प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे थे, कल फिर वो बैठक करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ। आप लोगों की तरफ से वैक्सीन को लेकर कुछ डिमांड की गई है, कितनी वैक्सीन चाहिए, कितने लोगों को लगाना है, क्योंकि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, हेल्थ वर्कर्स होंगे, फिर आम लोग। जी, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और उसके बाद 50 ईयर से ऊपर जो लोग हैं उनको, और 50 साल से नीचे जो कोमोर्बिड है उनको लगाया जाएगा। पूरी डिटेल्स हमने दे दी हैं। लगभग दिल्ली में 51 लाख लोग बनते हैं, 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर हैं, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर हैं, 42 लाख जो हमारे 50 ईयर से ऊपर या उससे नीचे वाले लोग मिला के हैं। तो 51 लाख का डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर कर लिया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है कि भाई पूरे देश के अंदर ये वैक्सीन सभी को फ्री दी जाए, मुख्यमंत्री जी ने अपील की है फ्री वैक्सीन के लिए। तो मैं इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री जी जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं या स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो फ्री में होना चाहिए, तो आप लोगों की तरफ से ये मांग रखी जाएगी वहां पर? देखिएगा, 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मेरी मीटिंग थी, तो मैंने वहाँ पर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब मैंने भी ये डिमांड रखी थी कि भी देश के सभी राज्यों को ये मुफ्त में दी जाए। और मैंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो सारे स्वास्थ्य मंत्री अभी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा है और इस बात को बार बार रखा जाएगा। सत्येंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राई रन हुआ उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं, क्योंकि जो दिक्कतें रही होंगी उनको दूर करने के लिए ड्राई रन किया गया था। दिल्ली में 3 बार ड्राई रन किया जा चुका है, पहले 3 जगह किया गया था, फिर 8-9 जगह किया गया, फिर 66 जगह पर किया गया।
तो हमारे ड्राई रन 3 बारी करने के बाद बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं। और इस दौरान कोई दिक्कतें आई जिनको दूर किया गया? ड्राई रन की बात कर रहा हूँ, माइनर छोटी मोटी बातें थी जैसे कि रजिस्ट्रेशन के अंदर कैसे किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ड्राई रन के अंदर बता रहे हैं कि वेटिंग के अंदर था तो हमने थोड़ा सा ये भी कहा कि भाई जो भी लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन से पहले भी 5-10 मिनट वेट कराया जाए ताकि कई बार एंग्जाइटी जो होती है एंग्जाइटी कम रहे, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को तैयार कर लिया गया। और जैसे लास्ट में वैक्सीनेशन के बाद भी 30 मिनट्स के लिए वहीं पर जहाँ पर वैक्सीनेट किया गया वहाँ पर आधे घंटे के लिए वेटिंग पीरियड रखा गया है, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे कहते हैं, ताकि वहाँ पर वेट किया जा सके। तो सारी तैयारियाँ कर ली गई है, बिल्कुल तैयार है जी। मुझे एक बात बताइए सत्येंद्र जैन साहब, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, तो ऐसा कुछ आप लोग दिल्ली सरकार कुछ इस पर विचार कर रही है क्या? अभी कल मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि देश के सभी नागरिकों को फ्री लगाई जाए, अभी देखिएगा जल्दी बताते हैं जी, अभी इसमें वक्त लगेगा। मतलब कुछ चर्चा चल रही है इस पर, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कि सरकार, दिल्ली सरकार कुछ सोच रही है, केंद्र से कुछ मदद मांगने की बात होगी, क्या कुछ कर रहे हैं? कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना सबको फ्री दी जाए, ये तो सभी का हक बनता है, पूरे देश के सभी नागरिकों का हक बनता है सबको फ्री मिल दीजिए। सत्येंद्र जी, लेकिन बार बार सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पूरे सारे देशवासियों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी तो खर्चा कौन उठाएगा, इसको लेकर बार बार सभी दल आमने सामने आ जाते हैं। देखिए ये तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार के पास बहुत बड़ा बजट है और ये बहुत ही जरूरी अहम इशू है, और मुझे लगता है केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई उठाया नहीं, सवाल नहीं उठाया है, और केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि खर्चा कौन उठाएगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार तैयार होगी, नहीं कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हो गए और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए उनके लिए तो मुफ्त कर दी गई है वैक्सीन, उनको तो मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन बार बार जो चर्चा होती है उसमें ये कहा जाता है कि आगे इस पर फैसला किया जाएगा, तो उस वो फैसला कब होगा सर, कुछ तो आप लोग जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ तो थोड़ा सा वेट करिएगा, जल्दी बता दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए सर, मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझना चाहूँगा, अभी जो वैक्सीनेशन होगा वो पहले फेज का वैक्सीनेशन होगा और डोज भी इसमें 2 रहेगी, तो वो दूसरी डोज देने के बाद जो आम लोग हैं जो 50+ वाले लोग हैं उनका नंबर आएगा जब हेल्थ वर्कर्स का पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, या सब एक साथ शुरू हो जाएगा? देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है, तैयारियाँ इसकी जैसा मैं पहले भी 2-3 बारी बता चुका हूँ कि हमारी तैयारियाँ काफ़ी दिनों से बिल्कुल रेडी है हम लोग। अभी वैक्सीन जितनी क्वांटिटी में मिल रही है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में 5000 सेंटर्स बनाने के लिए कहा और दिल्ली सरकार से कहा कि 89 सेंटर्स आप बनाइएगा, तो हमने 89 सेंटर्स तैयार कर लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई पहले दोनों फेज की लगाने के बाद फिर लोगों को लगाएंगे, 2 डोजेज लगनी है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को सिंगल डोज लगने के बाद जैसे उनको पूरी लग जाएगी उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।